हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों को स्वागत है मेरे ना सेब्रीडे स्पेशल में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मैंगो शेक। मैंगो शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ ले लिया है आधा लीटर दूध, दो मैंगो और फ्रेश क्रीम, साथ में मैंने ले लिया है बारीक कटा हुआ बादाम और आइस। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड करूँगी। तो यहाँ मैंने डाल दिया है मैंगो, साथ में मैंने डाल दिया है आइस, और मैं इसमें डालूंगी फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम मैंने फ्रिज में रखा था तो लड्डू जैसा बन गया है। कोई बात नहीं, इसे ग्राइंड करने से ठीक हो जाएगा। मैंने डाल दिया थोड़ा सा बादाम, और मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा मिल्क। बाकी जो मिल्क है वो मैं लास्ट में डालूंगी, ताकि जो मेरा शेक है वो अच्छी तरह से बन जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। गर्मियों के सीज़न आया है, मैंगो का बहुत डिमांड है, बहुत चलता है। मैंगो फ्रूट्स का राजा कहते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। इसे जिस तरीके से बनाऊं उस तरीके से भी बहुत अच्छा लगता है। और हमारा घर में शेक तो बहुत चलता है, बच्चों को बहुत पसंद है ख़ासतौर पर शेक, और मैं कुछ इस तरह बनाती हूँ शेक। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं ये रेसिपी शेयर करती हूँ, ताकि आप भी देखें। तो यहाँ मैंने शेक डाल दिया है, हमारा शेक रेडी हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी आइसक्रीम। तो आइसक्रीम मैंने लिया है पिस्ता आइसक्रीम। आप चाहे तो कोई भी फ्लेवर का आइसक्रीम ले सकते हैं, पिस्ता फ्लेवर का आइसक्रीम भी बहुत अच्छा लगता है हमें। और आप चाहे तो इसमें मिल्क शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आम में बहुत मीठा है तो इसीलिए हमने नहीं डाला। आप चाहे तो शुगर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हमने गार्निश कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे लाजवाब और टेस्टी मैंगो शेक बन के हमारा रेडी हो गया है। आप भी इसे खाइए, बनाइए, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और बहुत झटपट बन जाता है। मेहमान आने से भी आप इसे बना सकते हैं। मैंगो शेक सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं भी अलग अलग तरीके से बनाती हूँ। तो आज का जो मैंगो शेक है मेरा कुछ इस तरह, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। यह बहुत ईजी है, आप भी बनाइए, खाएँ और खुश रहें। तो मिलते हैं ऐसे नए नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।